हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिकलर बहुत ही सुंदर लटकन बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 कपड़े ले लिए हैं अलग अलग कलर के। अब हम 4 इंच चौड़ी विड्थ फॉर एक पट्टी कट कर लेंगे एक कपड़े में से। अब हम 4x4 की एक स्क्वायर कपड़ा कट करेंगे और यहाँ पे निशान लगा करके इसको काट लेंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे, 4 लेयर में हो गया है। अब हम इसको दोनों साइड से नापेंगे, यहाँ पे 2-2 इंच आ रहा है तो सेंटर से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसको आपस में मिला लेंगे, जिससे इसका शेप राउंड हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग करेंगे। ये देखिए राउंड इसका दिखने लग गया है। अब हम एक लेयर इसके हटा देंगे, 4x2 में आ गया है, तो अब हम बीच में से कपड़े को कट करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा ट्राइंगल टाइप में। और इसके बाद हम अब दूसरा कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर पहले वाले को रखेंगे और इसके चारों तरफ 0.5 पे हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग कंप्लीट है। अब इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। आप चाहे तो पहले की तरह स्क्वायर बना करके इसको कट कर सकते हैं। अब हम तीसरा कपड़ा रखेंगे और तीसरे कपड़े में भी ऐसे 0.5 पे हम इसके राउंड में मार्किंग कर लेंगे और उसके ऊपर से कपड़े कट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम एक एक पीस को लेंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे की साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इससे बहुत आसानी से हमारी लटकन तैयार हो जाएगी। बाकी के पीसेस में भी सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे एक मोती वाली लेस और लेस को नीचे रख के कपड़े को उसके ऊपर रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पहले वाला सिलाई लगाना हमारा ज़रूरी है, इससे मोती वाली लेस अटैच करने में बहुत आसानी रहती है। ये एक पीस में हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब बाकी के बचे हुए पीसेज में भी सेम तरीके से हम लेस को अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन की लटकन बना सकते हैं, जो हमारे ब्लाउज़ कुर्ती में यूज़ करते हैं हम इनको। अब हम तीनों को एक दूसरे के ऊपर सिमिलर गैप रखते हुए रखेंगे और यहाँ ऊपर सेंटर से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डोरी ली है, उसमें फ्रंट में 2 नॉट लगाएंगे हम। इससे बीच में से निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे सेंटर में एक मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम डोरी को बिल्कुल सेंटर में और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से लगाएंगे इसकी सिलाई। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ, कितनी सुंदर हमारी लटकन बनी है, मल्टी कलर में है। आप भी इस तरीके से आसानी से किसी भी कलर कॉम्बिनेशन की लटकन बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम दूसरी भी बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें।